जन्म साथ कसम तुम्हें मिलना यही एक। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी आपने प्रीव्यू देखा है, कुछ इस तरह की वेडिंग एनिवर्सरी स्टेटस वीडियो आपने किस तरह से क्रिएट करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। कुछ ही स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपने सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पर ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से 16:9 वाला ही फ्रेम आपने रहने देना है। नीचे से आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपनी गैलरी से कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है 16:9 वाली, ठीक है, इस फ्रेम वाली। आपने जितना स्टेटस रखना है आप उतना यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 10-11 सेकंड का रख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप यहाँ जितना मर्ज़ी रख सकते हैं। यहाँ पर आपने लेयर वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इफ़ेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिक इफ़ेक्ट्स पे जाना है आपने सबसे नीचे। यहाँ पर आपने गैलियन ब्लर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको ऐसे बड़ा करके पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। ऊपर से बैक आना है। यहाँ पे सेटिंग वाली ऑप्शन है, आप इसको चाहे जितना मर्ज़ी ब्लर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर 2 पे रख लेता हूँ, चलें 3 पे, आप चाहें जितना मर्ज़ी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसकी ड्यूरेशन भी आपने जो ब्लर है लास्ट तक ले जानी है। इसके बाद आपने लेयर वाली ऑप्शन पर जाना है, आपने मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपने एक वीडियो टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, ऐड करने के बाद आपने राइट साइड से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी स्प्लिट स्क्रीन की, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको फुल स्क्रीन पर कर देना है, ठीक है। ऊपर से आप बैक आएंगे, फिर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ब्लेंडिंग मोड की, आपने इस पर क्लिक करके इसको आपने स्क्रीन मोड पे कर देना है, ठीक है। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपने यहाँ से कैंची वाले पे जा के इसको आपने ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लेयर पे जाना है, आपने टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर एंड मिसेस, तो आपने अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खान, मिस्टर एंड मिसेस खान, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको ऐसे बड़ा करके यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो राइट साइड पे आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, जोन सा भी आप सिलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी आपने इसे लास्ट तक ले जाना है। इसके बाद आपने बैक आके दोबारा से लेयर वाली ऑप्शन पर जाना है, मीडिया पे जाना है। आप सेम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और कोई और सी भी अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये क्रॉप वाली ऑप्शन पर जाना है, इसको आपने ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट करना है इस तरह से। अच्छा जी, इसके बाद आपने लेफ्ट साइड से 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी सेंड टू बैक, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी ब्रिंग फॉरवर्ड, ये वाली, आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने राइट साइड से दोबारा से क्रॉपिंग वाली ऑप्शन पर जाना है और इसको आपने ऐसे शैडों से अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपने ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रही है राइट साइड पे मास्क की, आपने इसको ऑन कर देना है और जो इसका फेदर है वो आपने तकरीबन 30 के करीब रख देना है, ठीक है। यहाँ पर और इसकी ड्यूरेशन भी आपने लास्ट तक रख देनी है। आप देख सकते हैं कि जो आपकी फ़ोटो है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ यहाँ पर ऐड हो चुकी है।
इसके बाद आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। मैं वॉल्यूम थोड़ा सा इसका कम कर लेता हूँ ताकि कॉपीराइट क्लेम का इशू ना आए, आप लोग ना कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटस है यहाँ पर इस टाइम रेडी हो चुका है। इसके बाद आपने ऊपर से यहाँ पर एल ओ रे निशान पर क्लिक करना है और इसको आपने सेव एज़ वीडियो करके अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी।